निर्णायक बोर्ड पर हो रहा है। दो बार के चुनाव के बाद जब मोदी राज रहा इस प्रदेश में और प्रदेश में दो बार से योगी राज चल रहा है, इससे पूर्व की स्थिति एक राजनीति थी और उसके बाद की स्थिति दूसरी राजनीतिक संस्कृति थी जो अब चल रही है। दोनों संस्कृतियों के बीच का चुनाव है कि देश को जनता को किधर ले जाना है। मोदी जी के नई संस्कृति, योगी जी की नए कलेवर में, नए तेवर में देश को और प्रदेश को ले जाना है, या वही घोटालों की संस्कृति में फिर देश को झोंकना है, अराजकता में फिर देश को झोंकना है। मैं चंद उदाहरण लेके आपके सामने बात रखना चाहूंगा। चलो भाई, एक समय था जब इस देश के रणबांकुरों के सिर काट कर भेजे गए थे, हमारे देश की सैन्य वाहिनियां मचल उठी थी। आप सबके दिमाग में भी और दिल में भी एक जज्बा होगा, एक आग लग रही होगी, कुछ होना चाहिए। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक प्रेम पत्र लिखता था कि यह काम निंदा के योग्य है, यह कृत्य भर्त्सना योग्य है। देश की सैन्यवाहिनियां मचल रही थी, ऐसी बात नहीं है कि उनमें कुछ करने की ताकत नहीं थी। जनता के दिलों में आग थी, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर का अभाव था। देश की जनता मन महसूस कर रह गई और सेना दिल तोड़ कर। फिर दूसरा मोदी का युग का एक घटना सुनाया, आपको सबको मालूम है, पुलवामा हुआ। वही सेना थी, वही जनता थी, वही सत्ता थी, लेकिन नेतृत्व बदला था। 70 किलोमीटर घुसकर मारा है हमारे सैनिकों ने, घुसकर मारा है। तो समय सिर्फ 70 किलोमीटर सेना नहीं घुसी थी, आप हिंदुस्तानी का खौफ 700 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुसा था। यह दिया है मेरे नेता ने, एक वो संस्कृति है, यह संस्कृति। हर भारतवासी का सीना उस समय 56 इंची का हो गया था जब हमारी सेना ने उन्हें घुसकर मारा था और उन्हें शौर्य का परिचय। तो इन दोनों के संस्कृति के बीच का चुनाव है ये चुनाव। अभी राम मंदिर की बात हो रही थी, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे ये कहकर सड़क पर निकले थे। अयोध्या तक पहुंचे थे कई लोग, सड़कों पर जूझे थे पुलिस से, आंदोलन किए थे। ये कोई नारा नहीं था मित्रों, ये संकल्प था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सनातनियों का, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, जहां राम ने जन्म लिया था मंदिर वही बनाएंगे। तो गोलियां चली थी, खून की होली खेली थी एक सरकार ने, एक उस संस्कृति है। और दूसरी संस्कृति आज है कि जहां जन्म लिया वही भव्य मंदिर बना है और वहां अब दीपावली बनती है। एक खून की होली खेलते थे, एक दीपावली मनाते हैं, इन दो संस्कृतियों के बीच का चुनाव है। हमें कौन से तरफ राजनीति ले जानी है, देश को कहां ले जाना है, यह इसका चुनाव है। यह भी आपने देखा होगा इस देश में, एक नेता बोलता है कि मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। कैसी शर्मनाक स्थिति है। राजनीति का एक पहलू यह भी है इस देश के, मेरे सर मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य दल उसके लिए या तो मौन रहते हैं या उसके समर्थन में खड़े होते हैं। और दूसरी है वो संस्कृति कि मेरा नेता न्यूयॉर्क के मैदानों पर
मास्को के मैदानों पर, लंदन के चौराहों पर विदेशियों से भारत माता की जय बुलवाता है। मेरा सीना 56 इंची का होता है, एक वह चुनाव देश को किधर ले जाता है। जो भारत माता की जय बोलने पर तलवार रख दो तो नहीं बोलूंगा, एक वो, एक जो विदेशियों तक से भारत माता की जय बुलवाता है वो सुना। एक के राज्य में माफियाओं का खौफ था, माफिया जब निकलते थे सड़कों पर अपनी फ्लीट को लेकर, जनता खौफ ज़दा होकर अंदर घुस जाती थी घरों के अंदर। कर्फ्यू लग रहा है, माफिया सरदार जिप्सी पर ऊपर बैठकर हथियारों से शहर में निकलता है, प्रशासन कुछ नहीं कहता, सत्ता के समर्थन होता है। जनता खौफ ज़दा थी उनसे। और एक वो आज का दृश्य है कि जनता उन माफियाओं को चेहरे के खौफ को देखने के लिए अपने घरों से निकल कर आती है कि इस माफिया के चेहरे पर कैसा खौफ है। ये देखिए योगी का खौफ, देखिए ये दूसरा कल्चर है, किस कल्चर पर ले जाना चाहते हैं। मेरा नेता देश का प्रधानमंत्री बन चुका है, ये बात तो सही है, लेकिन आज ये दुनिया का प्रधानमंत्री। एक छोटी सी घटना बना के अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि अलार्म बज चुका है पीछे से। मुझे अभी कुछ दिनों पहले योगी जी ने पेरिस और नीदरलैंड भेजा था इन्वेस्टर्स मीटिंग में। इन्वेस्टर्स से बात करनी थी कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें, मैं गया था। जाने से पहले हमारे जीजा जी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंदौर यूनिवर्सिटी में रहे थे, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका फोन आया कि पेरिस कहां जा रहे हो भाई। मैंने कहा ऐसे ऐसे, तो बोले वहां हिंदुस्तानियों को बड़ी हिकारत से देखा जाता है। अगर आप कहोगे कि हम इंडिया से आए हैं, आई एम इंडियन, तो बड़ा हिकारत से देखते। मैंने कहा हमको भेजा जा रहा है, हम जाएंगे। भेजा गया, मैं पहुंचा, सुबह से शाम तक मीटिंग ली इन्वेस्टर्स के साथ, उनकी उत्सुकता देखी उत्तर प्रदेश में काम करने की। तो मुझे लगा कि वो कुछ कह रहे थे या कुछ है, फिर महसूस किया कि हो सकता है कि नहीं तो व्यापार करना है, व्यापारी हमेशा विनम्र होता है। आम पेरिस में शायद हमारी वो जो उन्होंने सीन बताया वही होगा। शाम को मैं पेरिस के बाजार में निकला परफ्यूम खरीदने, क्योंकि वहां का परफ्यूम बड़ा फेमस है पेरिस का, पुरुषोत्तम जी के लिए लेने गया था, मैं दिया नहीं आज तक। तो मैं जब पहुंचा एक परफ्यूम की दुकान पर, तो वहां पर सेल्स गर्ल्स थी। देखिए वहां के लोगों की स्वाभिमान, वो जब तक फ्रेंच में बोलते हैं जब तक उन्हें यह ना मालूम पड़ जाए कि सामने वाला फ्रेंच नहीं जानता, तब तक फ्रेंच में बोलते, चाहे किसी देश का वासी। वो तब अंग्रेजी बोलते जब मालूम पड़ जाए कि अंग्रेजी फ्रेंच नहीं जानते। मैं पहुंचा तो मुझसे उन्होंने फ्रेंच में कुछ कहा, मैंने कहा मैडम आई डोंट नो फ्रेंच। तो बोली फ्रॉम वेयर यू आर। अब मुझे एकदम धमका लगा कि ये कहिए मैं इंडियन कहूंगा, ये मुझे कैसे देखे, फिर भी कहना है मैं तो इंडियन हूं, मुझे तो गर्व है। मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। ओ फ्रॉम मोदीज कंट्री, वेलकम वेलकम, ये दिया है मेरे नेता ने। कौन सी तरफ राजनीति को ले जाना चाहते हैं, चाहे हिकारत से देखे दुनिया या सम्मान से देखे कि हाँ मोदी के देश के, आइए आइए। मित्रों चूंकि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, मुझे भी एलआर स्लिप मिल चुकी है। हमारे प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल हैं आगरा, उनके व्यक्तित्व को कौन नहीं जानता, समाज सेवा जिनके रग रग में है, बेसिकली समाज सेवी है, जो नए नए आए हैं जिनके नाम भी नहीं सुने, रेडीमेड नेता आए हैं दूसरी तरफ, क्लब के कुर्ते पजामा पहन के निकलेंगे, वो भी वोट मांगेंगे। एक तरफ समाज सेवी है और दूसरी तरफ रेडीमेड नए नेता है।
और जो परख लिया आपने उसी को परखिए, इन्हें 5 लाख वोटों से जिताना है, यह अहद लीजिए। धन्यवाद।